लास्ट में क्या बोली सर, बोल मैं क्या? हाँ बोल दो ना, पूछ लेंगे बैठे हुए सुनने के लिए। काम नहीं होता है घर में। इसे तो ये सुनने तो बैठे हैं हम। आप बोल दी जिस दिन से ये बोली कि बिना पैसा का काम नहीं होता वर्मा जी। कौन है? वहाँ पर उस समय कामिनी कौशल लगा तो मैंने हाथ। मुख्यमंत्री जनसंवाद सीधी बात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सामने ही उनके सिस्टम की पोल खुल गई। अपनी शिकायत लेकर पहुंचे शिकायतकर्ता ने साफ कह दिया कि बिना पैसा लिए कोई काम नहीं होता, ऐसा आपके अधिकारी कहते हैं। दरअसल सरायकेला खरसावां जिला से सत्य किंकर वर्मा अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे कि उनकी जमीन आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा अधिग्रहित नहीं किया गया, फिर भी उनकी जमीन का रसीद ये कहकर नहीं काटा जा रहा कि उनकी जमीन अधिग्रहित कर लिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े अधिकारियों से संबंध में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जब स्पष्टीकरण मांगा तो पता चला कि सच में शिकायतकर्ता सत्य किंकर वर्मा की रहती जमीन है और आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा इसे अधिकृत नहीं किया गया। शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री के सामने ये भी कहा कि वहाँ की सीओ कहती है कि बिना पैसे का कोई काम नहीं होता। तो जब एक बार हमको पता चला कि लिखा गया है तब हमने तो आइडिया से आदित्यपुर औद्योगिक के विकास क्षेत्र से इसका एनओसी ले लिया सर। एनओसी में साफ लिखा हुआ है कि ये आइडिया का एक बार क्षेत्र से बाहर की जमीन है। इस पर हम वहाँ पर जिलाधिकारी से बहुत बार रिक्वेस्ट किए सर, राइटिंग में किए चार पांच बार। क्या कहता वो लास्ट में क्या बोली सर, बोल क्या? हाँ बोल दो ना, बैठे हुए सुनने के लिए। काम नहीं होता है वर्मा जी, इसे तो ये सुनने तो बैठे हम। साहब बोल दी जिस दिन से ये बोली कि बिना पैसा का काम नहीं होता वर्मा जी। कौन है? वहाँ पर उस समय कामिनी कौशल लग रहा था तो मैंने हाथ जोड़ लिया कि मैडम हम ये काम नहीं कर सकते हैं, आप मेरा काम मत कीजिए, हम जा रहे हैं जनसंवाद। तो आप कहीं भी जाइए घूम फिर के यहीं पर आ, ये बात हमको बोला गया सर। हम तो बड़ा आश्चर्य कर गए कि बाकी हर सरकारी विभाग में ये सिस्टम है, ये है बिना पैसा का काम नहीं होता। दरअसल जन संवाद में मुख्यमंत्री के सामने इतना ही नहीं हुआ बल्कि रामगढ़ जिला से एक फरियादी ने जब अपनी समस्या रखी तो पूरे पुलिस सिस्टम की भी पोल खोल गई। शिकायतकर्ता वीरेंद्र महतो ने मुख्यमंत्री को बताया कि पासपोर्ट बनाने के लिए उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया लेकिन पासपोर्ट वेरिफिकेशन के दौरान कुज्जू ओपी के अधिकारियों के द्वारा उन पर गलत ढंग से चार प्राथमिकी दर्ज है ऐसा बताया गया। इस कारण उनका पासपोर्ट नहीं बन सका जबकि हकीकत में वीरेंद्र महतो पर कोई मामला दर्ज ही नहीं था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ी रामगढ़ एसपी निधि द्विवेदी ने भी ये स्वीकार किया कि पुलिस अधिकारियों ने गलत वेरिफिकेशन किया था। फिर क्या था, इतना सुनते ही मुख्यमंत्री रघुवर दास भड़क उठे और वेरिफिकेशन करने वाले अधिकारी को तुरंत सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। क्या बताएंगे एसपी रामगढ़? गुड मॉर्निंग सर, ये अपॉइंटमेंट हमारी जो गलत रिपोर्ट थी उसके लिए उनको शो कॉज किया गया, मामला जैसे संज्ञान में आया तो थाने से रिपोर्ट मंगा ली गई है सर। नहीं शो कॉज मत करो उसको, उसको शो कॉज मत करो, सस्पेंड करो उसको। शो कॉज नहीं, सस्पेंड करो आज ही उसको। मुख्यमंत्री रघुवर दास अपने ही अधिकारी पर एक बार फिर उस वक्त भड़क गए जब कोऑपरेटिव विभाग का एक मामला मुख्यमंत्री के सामने आया और कोऑपरेटिव विभाग के रजिस्ट्रार वहां मौजूद नहीं थी। संबंधित विभाग से मुख्यमंत्री ने जब पूछा कि अधिकारी कहां है तो बताया गया कि जगह कम होने की वजह से वो चली गई है। फिर क्या था, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उन्हें तुरंत बुलवाया और फटकार भी लगाई। नहीं रह चाहे नहीं, आपको रहना है ये कोऑपरेटिव का था क्या नाम ये सर, फसल बीमा का। फरवरी महीने के जनसंवाद सीधी बात कार्यक्रम में कुल 16 मामले मुख्यमंत्री के सामने रखे गए। दो मामला जो धनबाद जिला की टुंडी का था, उन शिकायतकर्ता से मुख्यमंत्री रघुवर दास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन बात भी की और गाँव के मुखिया से वहाँ की समस्याओं के बारे में जानकारी भी ली। रांची से सनीशा रथ की रिपोर्ट।